ड्राई फ्रूट के लड्डू। तो चलो मैं आपको बताती हूँ क्या क्या चाहिए उसमें। हमने ये लिया है, बादाम है, काजू है, अखरोट है, आप चाहो तो पिस्ता भी ले सकते हो, पर मैंने नहीं लिया। ये है खजूर, ये आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। ये है किशमिश, ये लिया है खसखस, और ये है मखाना। ये कि इसमें पूरा कैल्शियम होता है, तो घुटनों के दर्द के लिए, सर दर्द के लिए बहुत अच्छा रहता है। आप ये लड्डू सर्दी में भी खा सकते हो, गर्मी में भी खा सकते हो। और ये लिया है मैंने खोपरा, इसको कद्दूकस कर लिया है। और ये इलायची लिए फ्लेवर के लिए, इसको भी मैंने दरदरा कूट लिया है। चलो बताते हैं अभी कैसे बनाते हैं। धन्यवाद। ये हमने घी डाल दिया इसमें, हमने एक चम्मच घी डाला, बड़ा वाला। हल्का गर्म होने देते हैं। सबसे पहले हमने ये फ्राई की है हल्की सी, ठीक है, बहुत जल्दी फ्राई हो जाती है, तो हमें ज्यादा नहीं रखना है, सिर्फ एक दो मिनट में हो जाएगी। ये फ्राई हो गई अच्छे से, ज्यादा नहीं करना है हमें, क्योंकि फिर ये जल जाती है। ये हमने निकाल दिया। मखाना ये भी फ्राई करने हैं, थोड़े थोड़े करके डालते हैं, ये फूलते हैं ना। ये फ्राई हो गया है, तो हम इनको भी निकाल लेते हैं। मेरे पास में ये घी अवेलेबल था, तो मैंने इसमें बनाए हैं। इसमें ज्यादा घी की जरूरत नहीं पड़ती, बस ये सब फ्राई करने के लिए चाहिए होता है। एक बड़ा चम्मच घी का लिया, इसको मेल्ट होने देते हैं थोड़ी देर। घी मेल्ट हो गया है, अब इसमें ये ड्राई फ्रूट डालेंगे, हल्के रोस्ट करने हैं, ज्यादा नहीं करने। ज्यादा रोस्ट करने से क्या फायदा, फिर जल जाएगा। ये हमारे फ्राई हो गए हैं, हल्की खुशबू आने लग गई है, तो चलो अब इसको निकाल लेते हैं। इसमें थोड़ा घी और डाला है मैंने, अब इसमें खसखस डालते हैं, हल्का फ्राई करना है, ये जल्दी फ्राई हो जाती है। अब हम डालते हैं इसमें नारियल, इसको पहले हमने पीस लिया था, अब इसके साथ में इसको भी फ्राई करते हैं। गैस का फ्लेम मीडियम
स्लो ही रखना है क्योंकि नारियल जल जाएगा फिर। ये हमारा नारियल भुन चुका है, हल्का कलर चेंज हो गया इसका, ये देखिए हल्की खुशबू आने लग गई है। अब हम इसको गैस को बंद कर देते हैं। ये हमने निकाल लो। निकाल लिया है, ठंडा होना है इसको। ये भी इसी में डाल देते हैं। इलायची जो हमने कूट के रखी थी ये भी इसी में मिला देते हैं। खजूर को भी फ्राई करना था पर मैंने नहीं किया, मैं इसे डाल रही हूँ। ये मखाना है, इसको हम कूट रहे हैं। इसको मिक्स कर लिए हैं। हमने पहले ही मिक्स कर लिया है क्योंकि बाद में ज्यादा दिक्कत ना आए, अच्छे से मिल जाएगी। ये हमने इसमें 1.5 गिलास पानी डाल दिया है। ये हमने इसमें पानी डाला है, अब चाशनी बनाएंगे। ये 1 कटोरी चीनी ली है मैंने। हमें 1 तार की चाशनी नहीं बनानी है, सिर्फ चीनी को इसमें मेल्ट होने देना है। हमें 1 तार वाली चाशनी नहीं बनानी इसमें, आप चाहो तो गुड़ में भी बना सकते हो पर अभी गर्मी है इसीलिए मैं चीनी में बना दूंगी। ये हमारी चाशनी बन गई है, अब ये मिश्रण इसमें थोड़ा थोड़ा डाल के हिलाते हैं।
आगे करके अपन मिक्स कर लेते हैं। अच्छी वाली खुशबू आने लग गई है अभी। अब इसको थोड़ी देर के लिए हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं, फिर लड्डू बनाते हैं। मैंने हाथ में थोड़ा घी लगा लिया है। ज्यादा बड़े नहीं बनाएंगे हम, ये हमारे लड्डू बनके तैयार है।